तो लास्ट वाले एपिसोड में फ्रैंकलिन कर्स किलर कार को ब्लास्ट करने के बाद बेनी को सौंप देता है और उससे कह देता है कि भाई तू उसके टुकड़े टुकड़े अलग कर दे ताकि फ्रैंकलिन उसे अलग अलग लॉस सैंटोस के कोनों में छुपा देगा। और बेनी ऐसा ही करता है। बेनी टायर अलग करता है, इंजन अलग करता है और साथ ही साथ बॉडी को अलग करता है और फ्रैंकलिन तीनों को अलग अलग जगह जाकर छुपा देता है। उधर दूसरी तरफ फ्रैंकलिन शिनचैन और चॉप को भी ढूंढ निकालता है डॉक्टर के घर से और लेकर आ जाता है उन सबको वापस अपने घर। तभी उन लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उन्हें दिखती है लाल कलर की हेडलाइट जो कि होती है कर्स्ड किलर कार। अब ये कर्स्ड किलर कार वापस से ठीक होके कैसे आ गई और अब आगे क्या होगा देखते हैं इस वाली वीडियो में। भागो भागो भाई भागो, कर्स किलर कार आ गई है। ओए शिनचैन पिनचैन रुको मत, भागो भाई तुम लोग भी, बस भागो 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 भागो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी। अरे फैमिली लेकिन जा कहाँ रहे हम लोग? अरे कहीं भी दूर लेकिन यहाँ से दूर, अबे फटाफट से बैठो। पिनचैन कहाँ रह गया? अरे आ गया, मैं भी आ गया यार। अबे टाइम वेस्ट मत करो, बैग कर लिया यार, इतनी सी गाड़ी पे कैसे बैठे हम लोग? तो रुक जा भाई, रुक जा फटाफट से कोई गाड़ी उठाता हूँ रास्ते से। जल्दी जल्दी भाई साहब जरा गाड़ी दो, इम्पोर्टेंट है, गाड़ी दो फटाफट फटाफट बैठो बे। अरे ये गाड़ी थोड़ी कर्स्ड किलर कार जैसी क्यों लग रही है? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे यार कोई दूसरी गाड़ी कहाँ से मैं लाऊं? बकल भाई सामने से आ रही है कोई सी तो गाड़ी। लेट्स गो ये सही है गाइस, हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। आंटी जी बाहर निकलो, भाई साहब फटाफट से बाहर निकलो, ये गाड़ी मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी बैठो। चौप भाई क्या कर रहा है, फटाफट से बैठ यार गाड़ी पे तू भी। अरे फैमिली चलो चलो यार, वो गाड़ी आती होगी पीछे से। यस लेट्स गो फटाफट से निकलते हैं। ओ बच गए भाई उस गाड़ी से, पीछा तो नहीं कर रही है वो गाड़ी? नहीं ओ भाई वो तो सही है, आज रात है फिर भी इतनी गाड़ियां चल रही है, वरना हम लोग कैसे यार उस बाइक पे चारों बैठ के भाग पाते? हम में से कोई ना कोई फंस ही जाता है यार, गड़बड़ हो जाती बहुत ही बड़ी। बट अपनी किस्मत अच्छी थी गाइस, फिलहाल वो कर्स्ड किलर कार आजू बाजू नजर तो नहीं आ रही है, इसका मतलब वो हमारे घर पे ही है। अरे यार लेकिन वो वापस ठीक कैसे हो गई? तुम तो कुछ और ही कह रहे थे। हाँ यार मैं कह तो रहा था और मैंने किया भी था भाई, उस गाड़ी के बहुत सारे टुकड़े करवाए थे मैंने बेनी से और उस गाड़ी के जो पुर्जे हैं मैंने अलग अलग जगह लॉस एंजेलोस में छुपाए थे, बट स्टिल पता नहीं गाड़ी कैसे आ गई भाई घर पे। बैक कर लिया, तू पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा? अबे नहीं भाई झूठ क्यों बोलूंगा, तू कैसी बात कर रहा है? अरे तो फिर ये गाड़ी घर पे आ कैसे गई अटैक करने के लिए? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन मैंने बेनी से इस गाड़ी के तीन टुकड़े करवाए थे। इसके जो चारों टायर्स हैं उन्हें मैंने बीच पे छुपाया था, इसका जो इंजन है उसे मैंने भाई अपना वो माउंट जिलियार्ड पे छुपाया था और जो मेन इसकी बॉडी थी उसे मैंने ह्यूमन लैब्स पे छुपाया था। अरे तो चलो यार एक बार चल के देख लेते हैं वो सारी चीजें वहाँ पर है कि नहीं। हाँ हाँ ये बात तो सही कह रहा भाई तू पिनचैन। अरे तो फिर चलते हैं यार। लेट्स गो गाइस, सबसे पास में हमारे बीच है, फटाफट एक काम करते हैं बीच पर चलते हैं लॉस सैंटोस के और जरा बीच पर चल के देखते हैं वहाँ पर जो हम लोगों ने चार टायर छुपाए थे मैंने, वो चारों टायर वहाँ पर है या फिर नहीं है। अगर वो चारों टायर वहीं पर हुए इसका मतलब ये कोई और सी कर्स्ड किलर कार है भाई। अरे हाँ यार हो सकता है, चलो चलो लेट्स गो भाई। लेकिन एक सेकंड, कोई और सी कर्स्ड किलर कार कहाँ से आ सकती है? अभी तक तो एक ही किलर कार थी। बैक कर लिया, क्या हो रहा है कुछ भी ढंग से समझ ही नहीं आ रहा भाई। अबे हाँ भाई चौप सच में मैं तो कंफ्यूज हो रखा हूँ यार, गाड़ी के मैंने बताओ इतने सारे टुकड़े किए बट स्टिल ये गाड़ी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गई भाई, कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, यहाँ साइकिल की हवा निकाल दो तो साइकिल के चलाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर गाड़ी के तो पुर्जे अलग कर दिए बट स्टिल वो गाड़ी एकदम मस्त मक्खन चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है यार। खैर जो भी हो सबसे पहले हम लोग बीच पर चलते हैं और बीच पर चल के यार जो टायर मैंने अलग करके छुपाए थे वो टायर्स जरा चेक करके आता हूँ, वो टायर वहाँ पर है या फिर नहीं है। लेट्स गो गाइस चलते हैं फटाफट से बीच की तरफ। बीच पे मैंने चार जगह पर मेनली वो टायर छुपाए थे, एक मैंने छुपाया था बाथरूम के बगल में, एक मैंने छुपाया था एक लाइफ गार्ड वालों की जो झोपड़ी सी होती है उसके नीचे, एक मैंने छुपाया था पेड़ के नीचे और एक मैंने पत्थरों के बीच में। हाँ चार टायर छुपाए थे, चलो देखते हैं उन चारों टायर्स को। फिलहाल अभी हम लोग बीच पर पहुंच चुके हैं और बीच पर फटाफट से वो लोकेशंस चेकआउट करते हैं जहां पर मैंने इन टायर्स को छुपाया था। सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया मैंने बाथरूम ये टॉयलेट वगैरह है इसके बगल में छुपाया था। लेट्स हैव अ लुक। ओ ये तो रहा वो टायर। अरे पक्का यही टायर था क्या? बिल्कुल भाई मुझे अच्छे से याद है, अच्छी तरीके से ये वही टायर है जो मैंने छुपाया था, ये कर्स्ड किलर कार का ही टायर है। अरे तो फिर यार दूसरा टायर जरा देखते हैं। दूसरा टायर भी देख लेते हैं चलो। दूसरा वाला टायर मैंने ऐसे ही किसी लाइफगार्ड वालों की झोपड़ी के नीचे छुपाया था, शायद से ये अगली वाली झोपड़ी। यस ये दिख तो रहा है भाई ब्लैक, ये देखो दूसरा टायर। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये तो सच में है यहाँ पर टायर। तो फिर वो बिना टायर के गाड़ी आ कैसे गई?
पता नहीं यार क्या हो रहा है ये। अब भाई साहब यार कल पक्का ये कर्स्ट किलर कार के टायर है ना भाई। अबे हाँ भाई कर्स्ट किलर कार के टायर है, बैनी की हेल्प से मैंने निकलवाए थे। तीसरा मैंने जो टायर है गाइस इधर ही पेड़ के नीचे छुपाया था। रुको जरा ढूंढता हूँ मैं, मेरे को भी ढंग से याद नहीं है ना भाई। ओके ओके अभी कुछ देर पहले तो छुपाया था मैंने, कहाँ पर है? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा तीसरा टायर, ये रहा दिख गया भाई। और चौथा टायर दिखाता हूँ, चौथा टायर भी दिखाता हूँ। पैक कर लिया, चल चल भाई चौथे टायर की तरफ चल तू फटाफट। चलो गाइस चौथा टायर मैंने आगे की तरफ छुपाया है। अरे आगे कहाँ पर? अरे काफी सारे पत्थर पड़े हुए हैं, उन्हीं के बीच में मैंने वो चौथा टायर दबा दिया था। देखना तुम लोग वो टायर भी वैसे का वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी ये कर्स्ट किलर कार फुल्ली रिपेयर होके भाई हमारे पास अटैक करने के लिए आ गई। चौथा टायर जो है मैंने इन्हीं पत्थरों के बीच में कहीं तो छुपाया है, कहीं तो नहीं इधर नहीं है। एक सेकेंड इधर से जरा गाड़ी घुमा के आते हैं। चौथा टायर, ओके चौथा टायर इधर नहीं है। आइए इन पत्थरों में छुपाया था मैंने। ओके 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 ये रहा ये रहा, ये देखो भाई बगल में यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक ये वो टायर ही तो है। ये रहा बैक कलवे, बात तो सही कह रहा है तू, चारों टायर तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, फिर भी वो कर्ज क्लर कर आ कैसे सकती है? वही तो चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अरे तुमने इंजन कहाँ छुपाया था यार? इंजन मैंने माउंट चिल्यार्ड के पीछे एक ट्रांसफार्मर के अंदर छुपाया था। चलो यार जरा एक बार इंजन भी देख कर आते हैं। अभी माउंट चिल्यार्ड चले और कहाँ जाएंगे यार, पीछे हमारे वैसे भी कर्ज क्लर कार पड़ी हुई है। हाँ सही कह रहा है, फिलहाल एग्जैक्ट पीछे नहीं है गैस, बट अगर कहीं भी हम लोग लॉस सैंटोस में रुके तो कर्स्ट किलर कार अटैक करने के लिए आ ही जाएगी। इससे बढ़िया जरा पलीटो बे में चेक करके आते हैं कि भाई जहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे मैंने इंजन छुपाया था इस कर्स्ट किलर कार का, वो इंजन वहाँ पर अभी भी है या फिर नहीं है। लेट्स गो जरा चल के देखते हैं। अरे कहाँ छुपाया था यार इंजन, जरा हमें भी दिखाओ। दिखाता हूँ भाई दिखाता हूँ, बहुत आगे छुपाया था मैंने। बैक क्या बात है भाई कलवे, तूने तो एकदम अलग ही अलग लोकेशन पर छुपाया है। बिल्कुल भाई, मैं तो ऐसे ही करता हूँ चीजें। बे कब से चल रहा है तेरा ट्रांसफार्मर, कब आएगा भाई? आएगा आएगा, रुक जाना भाई चौप, थोड़ा सा सबर कर तू। ओके बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर एक विलेज आता है और उस विलेज से पहले ये तो रहा बड़ा सा टावर, यहीं पर तो मैंने छुपाया है भाई इंजन। अरे सोच लो यार पक्का? हाँ हाँ पक्का भाई, मेरे को याद नहीं होगा, मैंने अपने इन्हीं हाथों से छुपाया था ये। एक सेकंड गाइस इधर होगा भी, ये तो रहा भाई, ये तो पड़ा हुआ है इंजन यहाँ पर। अरे हाँ यार ये तो इंजन भी पड़ा हुआ है वैसे का वैसे ही, तो फिर वो कर्स्ट किलर कार चल कैसे रही है? यही तो चीज समझ में नहीं आ रही है, जब इंजन यहाँ पर पड़ा हुआ है, चारों टायर वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, तो ये कर्स्ट किलर कार फिर आखिरकार चल तो चल कैसे रही है भाई? अरे तुमने तीन टुकड़े कहा था, ये तो दो ही टुकड़े हुए यार। हाँ हाँ तीसरा टुकड़ा भाई कर्स्ट किलर कार की जो बॉडी है उसे ह्यूमन लैब्स के बगल में छुपाया था मैंने। तो चलो यार एक बार वो भी देख कर आते हैं। ह्यूमन लैब्स के बगल में कलुआ भाई, चल भाई दो पार्ट्स देख लें जरा, वो भी देख लें वो पार्ट वहाँ पर है कि नहीं। चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है भाई वो पार्ट भी वहीं पर ही होगा। कैसे टायर और इंजन एग्जैक्ट उसी लोकेशंस पर पड़े हुए हैं, वो पार्ट भी वहीं पड़ा होगा। अरे चलो कोई बात नहीं, एक बार देख कर आते हैं। चलो ठीक है निकलते हैं गाइस ह्यूमन लैब्स के बगल में। ओके ओके यहाँ पर आराम से। अरे आराम से यार, ह्यूमन लैब्स वालों ने देख लिया तो चोर समझ के कूद देंगे। यही तो दिक्कत है भाई, इसीलिए तो आराम से चला रहा हूँ बिल्कुल गाड़ी। एक सेकंड जरा हेडलाइट भी बंद कर लेता हूँ भाई, लिटरली मैं इन ह्यूमन लैब्स वालों का कोई भरोसा नहीं है, वहीं से गोलियां चला देंगे, उन्हें लगेगा हम लोग चोरी करने के लिए आ रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम लोग तो अपनी कर्स्ट किलर कार को देखने के लिए आ रहे हैं कि उसकी बॉडी पड़ी हुई है कि नहीं यहाँ पर। कलवा कहाँ रख के आया था तू, और तू यहाँ पर उसकी बॉडी लाया कैसे बे? अबे टो ट्रक में पीछे टो करके लाया था बड़ी मुश्किल से, टो ट्रक तूने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ा दिया। और क्या भाई, उस कर्स्ट किलर कार से पीछा छुड़ाना था तो ये सब तो मेहनत करनी ही पड़ती। अरे तब भी कहाँ पीछा छूटा यार? अब वो बात अलग है, तब भी पीछा नहीं छूटा है। ओके ये कैसे येल्लो पेड़ है, अरे वाह यार काफी यूनिक पेड़ है, मजा आ रहा है इन पेड़ों को देख के। काफी देखो देख रहे हो भाई तुम लोग, अलग है बिल्कुल, हरे हरे और ये बीच में एकदम से पीले, और दिन में ये बिल्कुल हरे हरे ही लगते हैं। अरे छोड़ो यार पेड़ों की तारीफ करना है, और जरा जल्दी से पार्ट ढूंढो। अच्छा हाँ भाई उसमें ढूंढना क्या है, वहीं पर पाइप के पास पड़ा होगा। अरे किस पाइप के पास, कहाँ पड़ा होगा? अबे रुक जा भाई, तुझे लगता है बिल्कुल दिखाना ही पड़ेगा, तो रेडी हो जा। ये रहा ये पाइप, और इसके पास में नहीं पड़ा हुआ भाई कुछ भी। अरे वही तो, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तुम बताओ कहाँ पर है पार्ट? अबे यहीं पर था पार्ट। कलुआ क्या बकवास कर रहा है तू? अबे हाँ बकवास नहीं भाई, एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर ही तो पार्ट था यहाँ पर। अरे कैसे, टायर वैसे के वैसे हैं, इंजन वैसे का वैसा ही है, लेकिन गाड़ी जो मेन उसकी बॉडी थी
वो गायब हो चुकी है यहाँ से। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? अरे क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी को ना ही इंजन की जरूरत है और ना ही टायर्स की। उस गाड़ी के लिए उसकी बॉडी काफी है। अगर उस गाड़ी की बॉडी सही सलामत है, उस गाड़ी की जो मेन बॉडी है गाइस, मेन कंपोनेंट्स, वो सही सलामत है, वो गाड़ी खुद को रीजनरेट कर लेगी, नए टायर ले आएगी, नए इंजन बना लेगी और फिर से गाड़ी चलने लायक हो जाएगी। ऐसा कुछ तो सीन है भाई उस गाड़ी का। तभी तो इंजन वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, टायर्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, बट स्टिल गाड़ी हमारे घर तक पहुंच गई। इसका मतलब उस गाड़ी में इंजन भी थे, टायर भी थे, तभी तो बिना इंजन और बिना टायर्स की गाड़ी थोड़ी ना चल सकती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा और उस गाड़ी ने खुद के टायर दोबारा से रीजनरेट किए, इंजन रीजनरेट किया और आ गई हमारे घर पे अटैक करने के लिए। भाई ये तो काफी ज्यादा अनयूजुअल सी चीज है यार, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई ये गाड़ी ऐसा करेगी। मेरे को भाई सच में लगा था कि इस बार तो इस गाड़ी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज है, कहाँ इंजन पड़ा हुआ है, कहाँ टायर्स पड़े हुए हैं, कैसे ये गाड़ी रिपेयर होगी। लेकिन नहीं, इस गाड़ी ने नए इंजन और नए टायर्स खुद ही रीजनरेट कर लिए और आ गई अटैक करने के लिए। भाई कलुआ अब कुल मिला के हमें आगे क्या करना चाहिए? अभी कुल मिला के तो हमें देखना चाहिए भाई कि वो गाड़ी हमारे घर से चली गई या फिर हमारे घर पे ही है। तो चलो फिर यार लॉस सैंटोस चलते हैं। थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी गाइस, आज रात तो भाई पूरी इधर माउंट चिलियार्ड और ये पलीटो बे और ये ह्यूमन लैब्स घूमने में ही निकल गई। खैर जो भी हो, फटाफट से घर निकलते हैं और घर पहुंच के जरा देखते हैं गाइस उस कर्ज क्लर का ने हमारे घर को छोड़ दिया है या फिर वहीं पे अपने डेरा जमा के बैठी है वो। फिलहाल गाइस मैं कह रहा था भाई थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और देखो सुबह होने भी लग गई है, फिर भी यार जल्दी पहुंच गए हम लोग अपने घर पे। चलो यार जरा देखते हैं वो कर्ज क्लर कार गई या फिर नहीं। मुझे तो लग रहा भाई वो चली गई होगी डेफिनेटली, इतनी देर वो वहां पर पड़े पड़े करेगी क्या वो कर्ज क्लर कार? डेफिनेटली अपना कोई नया शिकार ढूंढने में निकल गई होगी। बाक कलुआ ये नया शिकार ढूंढती कैसे है बे? वो ढूंढ लेती है नया शिकार, बहुत ही खतरनाक गाड़ी है भाई, कोई जरा उसकी बुराई करके तो देख ले, सामने वाला खत्म है फिर, इतनी खतरनाक गाड़ी है ये। अरे यार जरा देख कर आओ वो गाड़ी है कि नहीं। अबे मेरे को ही तुम लोग आगे भेज रहे हो। कलुआ सबसे ज्यादा तू यहाँ पर भाई जोशीला है और सबसे ज्यादा निडर है, तुझे ही जाना चाहिए। ठीक है ओके, डरते डरते चलते हैं यार, काफी डर लग रहा है, अपने ही घर में डर लग रहा है भाई। कोई बात होती है मैं गन ले लेता हूँ। यार मेरी गन्स कहाँ है? गाड़ी में गिर गई क्या? एक सेकेंड, गन मैंने फिलहाल रख दी है, ये ले ही लूँ हाथ में। पंगे हो सकते हैं, पंगे 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 पंगे, अरे नहीं है पंगे। हेलो एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, अरे भाई यहाँ पर अभी नहीं है, नहीं है भाई नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, खुद ही आके देख लो वो कर्ज क्लर का नहीं है। एक बार जरा ऊपर देख लेते हैं गाइस, तब जाके तसल्ली मिलेगी। यस यस, नहीं है नहीं है भाई, वो गाड़ी नहीं है, फाइनली वो गाड़ी गई। हाँ पूरी रात थक गया यार, अब शांति से मैं जाके आराम से सो सकता हूँ। एक सेकंड, वो कर्ज्ड किलर कार तो नया शिकार ढूंढने में निकली होगी। अरे बिल्कुल यार, और तुमने ही तो कहा शिकार वो बनाती है, उसकी कोई बुराई कर दे, ऐसा कुछ कर दे उसको। मुझे याद है बेनी से जब मैं कह रहा था इस कर्ज किलर कार के बारे में, तभी वो उल्टा सीधा बोले जा रहा था इस कर्ज किलर कार को, और मैं वहां पर नहीं था तो शायद तब भी बोल रहा हो उस कर्ज किलर कार के बारे में उल्टा सीधा। मेरे सामने तो वो बोल रहा था कि ये सब नकली गाड़ी है, सब फालतू दम है, तो कुछ नहीं है इसमें दम, लोकल, ऐसा सब कह रहा था। और मैं अगर नहीं होऊंगा वहां पे, तब तो वो और भी भला बुरा कह रहा होगा उस गाड़ी को। इसका मतलब गाइस, अरे इसका मतलब कहीं वो गाड़ी बैनी पर ही, हाँ कहीं वो गाड़ी बैनी पर ही तो अटैक नहीं करने गई, हो सकता है भाई। अरे तो हमें तो जाना पड़ेगा जल्दी से बैनी के पास। अबे बहुत जल्दी जाना होगा यार बैनी के पास, बैनी की जान खतरे में है, वो गाड़ी भाई बैनी को मार भी देगी, कोई भरोसा नहीं है उस गाड़ी का। अरे जल्दी जल्दी चलो यार, मैं तो जल्दी बैठ गया, तुम लोग फटाफट से बैठो। कलुआ यार तू जा, हम लोग यहीं पर है। अच्छा और वो गाड़ी यहाँ पर आ गई तो? मैं नहीं 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 भाई, फिर हमें भी ले चल तू, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। जल्दी से भाई हमें बैनी के शोरूम निकलना पड़ेगा, जल्दी, शोरूम नहीं उसका गैराज है जो भी है, वहाँ पर फटाफट से निकलना पड़ेगा, वहाँ पर पूरे चांस है गाइस वहाँ पर कर्ज किलर कार अटैक करेगी बैनी के ऊपर। जल्दी, इससे पहले कि वो अटैक करे हमें जल्द से जल्द पहुँच जाना चाहिए। बैनी भाई बैनी, एक काम करता हूँ मैं, जरा उसे कॉल भी लगाता हूँ ताकि भाई गैराज वगैरह के डोर जो है वो लॉक कर दे। फटाफट से कॉल लगाते हैं गाइस बैनी को। ओके मैंने बैनी को कॉल लगा दिया है, ये कॉल उठा भी नहीं रहा है गधा बैनी। अरे यार इतना भी काम में क्या बिजी रहने का कि कॉल ही नहीं उठाना है कभी जिंदगी में। अरे कॉल उठा ले बैनी के बच्चे, नहीं उठा रहा।
भाई कॉल, लगता है पर्सनली उसके गैराज पे पहुंचना ही पड़ेगा। ओके ओके जल्दी जल्दी से निकलते हैं गाइस फटाफट से बेनी के गैराज और बचाते हैं उसको उस गर्स किलर कार से। मुझे पूरा भरोसा है वो गर्स किलर कार वहीं गई होगी अटैक करने के लिए। जल्दी 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 चलो 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 बेनी के गैराज पहुंच चुके हैं। अरे यार ये कौन सी गाड़ी है? अभी ये तो कर्स किलर कार ही लग रही है। कलवे लग तो वही रही है लेकिन ये यहाँ पर। अरे यार इसका मतलब अटैक कर दिया। ओ तेरी अटैक कर दी इसने। अबे यार ये कर्स किलर कार तो भाग गई। वैसे भी यार वो पकड़ में भी आ जाती तो हम लोग क्या कर लेते। हमारे पास वेपन्स ही कितने हैं, मुश्किल से एक शॉटगन और एक पिस्टल है। बेनी बेनी ब्रो। ओ तेरी। ओ नो। अरे भाई साहब इसका क्या हाल कर दिया है। ओ तेरी भाई बेनी हेलो। यार इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब लग रही है। अरे हॉस्पिटल? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अरे इस कर्स्ट किलर कार को क्या अलग ही दिक्कत है भाई, पंगे ले रही है बेमतलब के, जिसको देखो उसको घायल कर देती है ये। फिलहाल पता नहीं उसकी सांसें भी चल रही है कि नहीं, मैंने ढंग से नहीं देखा। एक बार चेक करते हैं गाइज और लेकर चलते हैं इसे हॉस्पिटल। बेनी ब्रो बेनी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइज ये ठीक है, बस इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है जल्दी से जल्दी से। सही टाइम पे आ गए भाई हम लोग, वरना ये यहीं पर पड़ा रहता, किसी को कॉल तो कर पाता नहीं, मर जाता यहीं पे। अभी जल्दी से इसे हम लोग हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पक्का लो चल भाई, बेनी बैठ चुका है गाड़ी पे। पक्का? चल चल भाई, विश्वास नहीं हो रहा तुझे मुझ पे? नहीं है तभी तो कह रहा हूँ। ओके अब जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जिस हॉस्पिटल में मैं शिनचैन और चॉप को लेकर गया था वहां पर अभी ले जाने लायक नहीं है। पता नहीं वहां पर सब कुछ ठीक हुआ होगा कि नहीं, बट अभी फिलहाल इस बेनी को ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अबे लो भाई तुम लोग अलग ही गिर गए। कलवे तू गाड़ी ऐसे अजीबोगरीब तरीके से चला रहा है, एक तो बेनी की वैसी हालत खराब है। सॉरी यार बेनी मैं क्या करूं भाई। चलो भाई बैठो बैठो, मैंने बेनी को गाड़ी पे रख दिया है। हाँ तो मैं कह रहा था भाई शिनचैन वाले हॉस्पिटल तो हम लोग ले नहीं जा सकते, उस हॉस्पिटल की तो वैसी हालत खराब कर रखी है इस कर्स किलर कार ने, हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा जल्द से जल्द बेनी को, क्योंकि इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। तुम लोग खुद इसके पैर देखो भाई, पैरों पे कितना ज्यादा खून लगा हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से घायल किया उस कर्स किलर कार ने। चलो हॉस्पिटल, फटाफट से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेट्स गो। कौन से हॉस्पिटल ले जाऊं पहले तो यही समझने दो मेरे को। देखो एक हॉस्पिटल यहाँ पर पास में ही है, वहाँ लेकर चलते हैं। एक सेकंड, यहीं से काफी पास है यार, बस मुझे नीचे वाले हाईवे पर उतरने की जरूरत है। चलो 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 जल्दी से यहीं से, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, मैं नीचे जंप नहीं लगा सकता क्या भाई यहाँ से? अरे ये अलग ही हद है भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पर है नीचे जाने के लिए, फटाफट फटाफट फटाफट। और हॉस्पिटल जो है गाइस वो आगे की तरफ है, जल्दी जल्दी गाड़ी भगाते हैं फुल स्पीड में और निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। मैं बचा लूंगा बेनी भाई, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना भाई, मैं तेरे को बचा कर ही रहूंगा, तू टेंशन मत ले बेनी ब्रो। ओके वो आ गए सामने की तरफ, जिसका नाम है पिलबॉक्स है शायद, हाँ पिलबॉक्स हिल मेडिकल सेंटर, यहाँ पर चलते हैं। अरे यार ये तो बंद पड़ा है, यहाँ से इमरजेंसी शायद से ऊपर से है। अरे ऊपर वाले हाईवे पर जाना पड़ेगा क्या? अरे अलग ही लफड़े हैं भाई ये तो, हॉस्पिटल जाने में ही सुबह होने वाली है और सारे हॉस्पिटल नहीं खुले हैं अभी तक, कोई बात होती है ये? अबे यार मेरे को तो हॉस्पिटल का रास्ता ही नहीं मिल रहा, यहाँ पर अपने दोस्त की हालत खराब है और बताओ मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाला हाईवे ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से हम लोग एक कट लेंगे छोटा सा इधर, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे डायरेक्टली हॉस्पिटल वाले रोड पर। चलो 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 फटाफट 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 आ गए भाई फाइनली फाइनली, मैं कोई सा तो हॉस्पिटल मिला। ये क्या है भाई साहब, इस हॉस्पिटल के अंदर भी तबाही मची है क्या? बैक कलवे ये तो लगता है उसी का काम है भाई। अब तो मुझे भी लग रहा है भाई ये उस कर्स्ट किलर का ही काम है, अब कहाँ जाए? अरे कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है क्या? ये दूसरा ही तो था। अरे तो कोई तीसरा हॉस्पिटल नहीं है क्या? अब तीसरा हॉस्पिटल ही ढूंढने जाना पड़ेगा। चलो एक है इस बिल्डिंग के उस तरफ, उधर ही जाते हैं। तो ये रहा हॉस्पिटल, फाइनली फाइनली हमें कोई हॉस्पिटल मिला है जहाँ पर हम लोग बेनी को एडमिट करवा सकते हैं। चलो चलो भाई अंदर हॉस्पिटल के, आ जाओ भाई। एक सेकंड, ये हॉस्पिटल कुछ कुछ वैसा ही नहीं है। अरे हाँ यार ये तो वही वाला हॉस्पिटल है जहाँ पर तुमने हमें एडमिट किया था। नहीं भाई ये वो वाला नहीं है, कुछ कुछ वैसा ही है एग्जैक्ट। लगता है ये लॉस सैंटोस के सारे हॉस्पिटल एक जैसे ही होते हैं। खैर जो भी हो, डॉक्टर, अरे उसे नहीं लाए तुम लोग? अरे किसे यार? अबे जिसको एडमिट करवाने के लिए लाए हैं। हेलो डॉक्टर, अरे यार लेकर आना पड़ेगा मुझे ही। अरे तो तुमने हमें भी तो नहीं कहा, अबे तो तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए यार। लेकर आते हैं बेनी को। अभी फिलहाल यार बेनी को भाई डॉक्टर ने चेक किया है और हमें बताने वाले हैं एक्चुअली में बेनी को हुआ क्या है।
जरा बताओगे सर? देखो अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी पर, बॉडी नहीं है वो, अभी जिंदा है वो। हाँ मतलब जो भी है तुम्हारे इस बैनी पर कुछ दांत के निशान है। हाँ हाँ ये तो मेरे को पता है, ये उसका किलर कार का ही काम है गाइस, उसके ही पहने पहने दांत है। आगे बोलो सर। और कुछ तो खास नजर नहीं आ रहा है। हाँ बॉडी पर टायर वायर के भी निशान है, मतलब गाड़ी ने भाई इसको रौंदा भी है। ओके बस यही कहना चाहूंगा मैं, बस इतना ही अभी तक तो हमें पता चला है। ये होश में कब तक आ जाएगा सर? बस आधा घंटा और लगेगा होश में आ जाएगा। ठीक है आधे घंटे बाद उसे होश में आ जाने दो भाई, फिर ही मैं जाऊंगा। अरे कहाँ जाने की तैयारी में हो तुम? मैं जाने की तैयारी में हूँ भाई, उस कर्स्ड किलर कार को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में हूँ मैं। अरे वो कैसे खत्म करोगे? प्लान है क्या तुम्हारे पास कुछ तगड़ा? प्लान है मेरे पास, लेकिन पहले बेनी से बात हो जाए फिर तुम लोगों को प्लान समझाता हूँ मैं। अरे ठीक है यार ठीक है, वेट करना पड़ेगा गाइस आधा घंटा, तब तक तुम लोग जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। यस इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी कब होश में आएगा ये बेनी? बेनी भाई तो ठीक है? बस थोड़ा सा ही महसूस हो रहा है यार। ठीक ठीक डॉक्टर सर, जरा आप थोड़ा बाजू हटोगे, दो मिनट बात करनी है पेशेंट से। ओके ओके डॉक्टर तो गया साइड में। बेनी भाई अब मेरी बात सुन, फटाफट से बता हुआ क्या तेरे संग? अरे यार कुछ नहीं, मैं जस्ट अपने गैराज पे काम कर रहा था और तभी शटर ठोकने की आवाज आई, तो मैंने शटर को ओपन किया। तुम्हें तो पता ही है वो शटर ऑटोमेटिक है, पर ओपन ही नहीं हुआ शटर, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा यार। फिर मैंने फिर भी डरते डरते शटर ओपन किया, तो जैसे ही ओपन किया उस गाड़ी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। क्या बात कर रहा है? यस फ्रैंकलिन, वो गाड़ी सच में यार हमला करती है लोगों पे, अब मुझे यकीन हो गया। मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आई एम सॉरी फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं, पहले ये बता आगे क्या हुआ? आगे क्या यार, उस गाड़ी ने मेरे को दबोच लिया, फिर पता नहीं उस गाड़ी को क्या सूझा, वो गाड़ी वहां से भाग गई। ओके और तुझे इसी हालत में छोड़ दिया? बिल्कुल, नींद तो यहाँ पर खुल रही है। उसके बाद क्या, मैं वहां पर पहुंच गया और तेरी जान बचा के तेरे को यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं हॉस्पिटल के अंदर और एडमिट करवाया। थैंक यू यार फ्रैंकलिन। थैंक यू। छोड़ ये बता वो गाड़ी गई कहाँ? अब ये मुझे क्या पता यार, मेरे को तो उसने कूट काट दिया और बुरी हालत कर दी, अब इसमें मैं क्या देखता कि वो गाड़ी गई कहाँ। अच्छा कुछ कुछ तूने मतलब कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि वो गाड़ी गई कहाँ, हो कहाँ जा सकती है वो गाड़ी, सोचा है कुछ एक्सपेक्ट किया है? नहीं यार मुझे कोई आइडिया नहीं है। अरे यार कहाँ गई होगी वो गाड़ी? खैर वो कहीं भी गई हो लेकिन मेरे पास आइडिया जो है, मेरा वो आइडिया सुनो शिनचैन और पिनचैन। अरे बोलो यार। आइडिया बहुत ही सिंपल सा है, हर बार मैं ये अपने RPG वगैरह से और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों से अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ उस कर्स्ड किलर कार को, बट मैंने इस बार सोचा है कि मैं यूज करूंगा मिलिट्री का कोई बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पावरफुल टैंक, और उस पावरफुल टैंक से इस कर्स्ड किलर कार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा। आइडिया तो काफी बढ़िया है यार। वही तो मैं कह रहा हूँ, आइडिया एकदम परफेक्ट है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं चॉप को भी बुला लाता हूँ, तुम लोग यहीं पर ज्यादा सेफ हो यार घर से, और वैसे भी उस कर्स किलर कार को कुछ भी पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पर है, तो यहीं पर आओ। अगर मान लो कर्स किलर कार आ भी जाती है तो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनकी हेल्प से और उनके साथ ही तुम लोग भी भाग जाना, ठीक है? अरे ठीक है यार। कलुआ मैं भी आ गया भाई। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ इस वक्त मिलिट्री बेस, वहां से कोई बहुत ही पावरफुल टैंक का जुगाड़ करूंगा, और उसके बाद आज ये कर्स किलर कार तो गई भाई, आज ये कर्स किलर कार तो गई मेरे हाथों से, छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो भाई फटाफट से चलते हैं अब ये गाड़ी लेके, लेट्स गो। और अभी हम लोग चलते हैं मिलिट्री बेस, मिलिट्री कर्नल से किसी तरीके से हेल्प मांगते हैं और एक टैंक का जुगाड़ करते हैं। टैंक नॉर्मल वाला टैंक नहीं गाइस, मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैंक का जुगाड़ करने वाला हूँ, और ऐसा टैंक जिससे भाई वो कर्स किलर कार पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो और उससे हम लोग आसानी से हरा सकें। और हराने के बाद इस बार मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड एंड धांसू प्लान है। हमेशा मैं क्या करता हूँ भाई, उसे जमीन के अंदर गाड़ देता हूँ या फिर पानी के अंदर फेंक देता हूँ या फिर गुफा के अंदर दबा देते हैं, ठीक है? बट इस बार उन सारे प्लान से भी तगड़ा प्लान है, और इसमें तो भाई फुल चांस है कि वो जो कर्स किलर कार है वो यहाँ से भाग ही नहीं सकती है। अब वो प्लान क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले इस कर्स किलर कार को ब्लास्ट तो कर ले भाई। प्लान बताने का फायदा क्या अगर वो ब्लास्ट ही ना हो, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिलिट्री बेस, वहां से टैंक लाते हैं और फिर उसको ब्लास्ट करते हैं। चलो भाई पहले ये तीन काम करते हैं, तीन में से एक काम तो हो गया गाइस, मिलिट्री बेस पहुंचना। अब यहां से पहले टैंक लेना है मुझे, तो चलो टैंक लेकर आते हैं।
थोड़ी बहुत अपनी जान पहचान है कर्नल के साथ, तो क्या पता वो आसानी से भी टैंक दे दे या फिर ना भी दे दे भाई। और टैंक देना या लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन बात है जो स्पेशल टैंक है ना भाई, वो चाहिए मुझे। मिलिट्री वालों के नॉर्मल टैंक से तो उस कर्स्ड किलर कार का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उतने तो मैं आरपीजी ही लॉन्च कर लूं, लेकिन मुझे पावरफुल वाला, सबसे पावरफुल वाला टैंक चाहिए, तब बनेगी कुछ बात। ओके फाइनली मिलिट्री बेस के अंदर हम लोग एंट्री करने वाले हैं कुछ ही देर में, चलते हैं देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। हेलो हेलो हेलो, मुझे एंट्री चाहिए। ओके ओके, अरे वाह, तो ऑटोमेटिकली खुल गया फर्स्ट टाइम। ये कर्नल भाई इधर होगा ना भाई, एक सेकेंड जरा बात करते हैं कर्नल से। यहाँ पर तो बाकी और मिलिट्री वगैरह के गार्ड्स हैं। कर्नल कहाँ पर है? कर्नल इधर नहीं है। कर्नल कहाँ मिलेंगे सर? एक्सक्यूज मी कर्नल, कर्नल आपके सिक्स्थ फ्लोर पर। सिक्स्थ फ्लोर? ओह नो, सिक्स्थ फ्लोर अब चढ़ू मैं? सिक्स्थ फ्लोर है ना ये? हाँ सिक्स्थ ही तो लिखा है। यस गाइस सिक्स्थ फ्लोर पर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर कर्नल कहाँ है? यहाँ पर एक दरवाजा है तो ओपन करते हैं इसे। हेलो, ओ हेलो सर, हेलो कर्नल सर, हेलो। फ्रैंकलिन यहाँ पर कैसे? सर वो एक्चुअली में मुझे एक बड़ी सी, छोटी सी बड़ी वाली हेल्प चाहिए। अरे छोटी हेल्प चाहिए कि बड़ी हेल्प चाहिए? नहीं छोटी सी चाहिए हेल्प, लेकिन बड़ी वाली हेल्प। क्या हेल्प चाहिए बोलो? सर मुझे आपका कोई स्पेशल मिलिट्री टैंक चाहिए। लेकिन वो किस लिए? सर वो रीजन मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता, प्लीज मेरी हेल्प करो सर। ये समझ लो कि लॉस सेंटोस नहीं बचेगा अगर आपने मेरे को ये स्पेशल टैंक नहीं दिया तो। अरे इतना बड़ा खतरा है तो हमें बताओ, हमारी मिलिट्री सॉल्व करेगी? सर यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, नहीं मिलिट्री सॉल्व कर पाएगी। अरे क्यों नहीं करेगी बताओ, तो करना क्या है? एक गाड़ी से लड़ना है। ये क्या है, गाड़ी से लड़ना? सर प्लीज आप नहीं समझोगे, मेरी बात सुनो सर। अरे कौन सी फालतू की गाड़ी है, बुलाओ, लेकर आओ जरा गाड़ी, लड़ लेंगे उससे, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। अरे सर आप समझ नहीं रहे, गाड़ी वो कर्ज किलर कार है, कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। फ्रैंकलिन टाइम पास नहीं, काम है, यहाँ पर निकलो। अरे सर प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट के लिए प्लीज सर, एक बार एक दिन के लिए वो गाड़ी दे दो, मतलब टैंक दे दो, स्पेशल टैंक। ठीक है ऑफिसर से मैं कह देता हूँ, तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। सच में? ले जाओ। अरे वाह, लेकिन कल मुझे चाहिए, मतलब चाहिए वापस। हाँ सर बिल्कुल सही सलामत लाऊंगा, एक स्क्रैच भी नहीं होने दूंगा मैं। ओके चलो 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 भाई, वैसे इस कर्नल ने भी उस कर्स किलर कार का मजाक उड़ा दिया है भाई, कहीं इसका भी वो बैनी वाला हाल ना हो। लेकिन नहीं गाइस, इसका वो बैनी वाला हाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कर्स किलर कार अब दोबारा आने ही नहीं वाली भाई। जब वो कर्स किलर कार होगी ही नहीं तो कर्नल का बुरा हाल कैसे होगा, आज देखना। मिलिट्री की स्पेशल टैंक यूज करके मैं किस तरीके से इस कर्स किलर कार को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। नीचे आ चुका हूँ गाइज जल्दी से। हेलो हेलो ऑफिसर, मैं ही फ्रैंकलिन हूँ, मुझे ही स्पेशल टैंक देने के लिए कहा गया है। उधर आगे जाओ, रेड कलर का एक टैंक है, ले लो उसे। अच्छा किधर आगे? आगे जाके तीन वेयर हाउसेज है, तीन स्मॉल वेयर हाउसेज है, उनमें से बीच वाली के अंदर तुम्हारा रेड कलर का टैंक है, स्पेशल टैंक ले आओ। क्या बोल रहा है ये बंदा, इसे भी समझ में आ रहा है खुद के, आगे तीन वेयर हाउस है उसमें रेड कलर का तुम्हारा स्पेशल टैंक, ऐसा कुछ तो बोला है भाई। जरा एक बार चल के देखते हैं। ओके क्या यार टैंक दे दिया है, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कुछ बड़ा सा, कुछ बेहतरीन सा टैंक। ओह है टैंक तो है। हेलो एक्सक्यूज मी, ये मिलिट्री स्पेशल टैंक है? यस। अच्छा चलो भाई, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया गाइस, मिल गया मिल गया, टैंक मिल गया। अब तो वो कर्स किलर कार की खैर नहीं भाई साहब, अब तो गई वो गाड़ी। सबसे पहले इसके अंदर बैठते हैं भाई, इसकी तोप तो देखो। ओह सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके बाहर जाके चलाएंगे भाई, इसकी तोप का डिजाइन जो है काफी यूनिक है भाई, ट्री में ये देखो काफी अलग ही डिजाइन है। ओ ये हवा में भी फायर कर सकता है। ओ तेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो चलो चलो, मुझे इस टैंक को बिल्कुल तोड़ना फोड़ना नहीं है, और कल जैसा है वैसा ही इसे वापस ला कर भी देना है। चलो कोई नहीं। यस गाइस पावरफुल तो है भाई, तुम लोग मानो या फिर ना मानो, आरपीजी वगैरह क्या है इसके सामने, इसके सामने अब कर्स किलर कार की क्या औकात रह गई, मेरे को तो अब ये समझ भी नहीं आ रहा है। मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या कोई? कोई तो गाड़ी नहीं है आजू बाजू, चलो किसी और की, चलो मान लो इस ट्रक को उड़ाना है। बाय बाय ट्रक, गया। पावर देख रहे हो तुम लोग, अब वो जरा कर्स किलर कार आ जाए मेरे सामने। वो गई भाई, अब तो वो गई, अब बस उसे ढूंढना है लॉस सैंटोस चल के। वो मेरे घर के आजू बाजू ही भटक रही होगी गाड़ी, और जाएगी कहाँ, तो बस उसे चल के बस ढूंढना है, और फिर तो उसका काम तमाम है गाइस। यस उसका काम तमाम।
लेट्स गो। जिस मोमेंट का मुझे इंतजार था वो मोमेंट आ चुका है। कर्स्ट किलर कार को ज्यादा ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ी गाइस। ये रही सामने और ये है अपना टैंक। लेट्स कम ऑन फायर फायर फायर। बोल बे कर्स्ट किलर कार, तेरी चटनी ना बना दी ना मैंने। मेरा भी नाम फ्रैंकलिन नहीं है, ये ले पूरा रौंद दूंगा आज तो। आज कोई चांस नहीं छोड़ूंगा गाइस कि ये गाड़ी दोबारा कभी रिपेयर भी होके आ पाए। चलो भाई ये लो ये लो ये लो और ब्लास्ट और पूरा गाड़ी को मैंने उल्टा कर दिया गाइस ताकि ये भाग ना पाए यहाँ से, क्योंकि इसको भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है जब गाड़ी को उल्टा कर दो तो। अभी तो ये गाड़ी गई, ये देखो भाई किस तरीके से इसके अंदर से तोप निकल रही है, काफ़ी डेडली वाली। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये देखो ऊपर से देखो तुम लोग तोप कैसे निकल रही है। देख रहे हो भाई इसके अंदर से, इसकी जो कैनन है उसके अंदर से ये देखो कैसे फायरिंग हो रही है। ओके लेट्स गो, एक और अब बस बस कुछ ही देर, पक्का टिकने नहीं वाली है बिल्कुल भी नहीं। यस लेट्स गो, ब्लास्ट होना शुरू हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया, टुकड़े टुकड़े करूंगा आज मैं इसके। आ जा, ये गाड़ी गई गई, ये गाड़ी आ बेटा तू आ बेटा, ये ले और एक और फायर फायर। कर्स्ट किलर कार का चैप्टर हमेशा के लिए फाइनली आज क्लोज क्लोज। मारो भाई इसको, इसमें चलाते रहो कैनन्स, अनलिमिटेड कैनन है इस टैंक के अंदर। बहुत ही तगड़ा वाला मिलिट्री स्पेशल टैंक लेकर आया हो गाइस, हल्का फुल्का टैंक नहीं है भाई ये। और अब टाइम आता है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई मैं इस गाड़ी को, तुम लोग सोचोगे कहाँ छुपाऊंगा इस बार। चलो देखते हैं कहाँ छुपाऊंगा मैं। सबसे पहले तो टूट गई है ना भाई गाड़ी, पूरी तरीके से ब्लास्ट, कोई चांस नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है कोई चांस नहीं है। बहुत ही बढ़िया, अब इस गाड़ी को ज़रा इस टैंक के ऊपर ही रख लेते हैं, काफ़ी इजी होगा। रुको यहाँ पर इस तरीके से टैंक के ऊपर ही गिरा लेता हूँ ज़रा मैं। चलो भाई चलो चलो, अरे फायर ब्रिगेड वालों हट जाओ यार, तुम्हें बड़ी जल्दी होती है आग बुझाने की। भाई अभी इस कर्ज किलर कार को इतनी मुश्किल से मैंने ब्लास्ट किया है, इसकी भी आग बुझाने के लिए आ गए ये बंदे। अभी इसको मैंने रख तो लिया है गाइस टैंक के ऊपर, अब मुझे निकलना है यहाँ से पुलिस स्टेशन। अब तुम लोग सोचोगे पुलिस स्टेशन क्यों जाना चाह रहा हूँ मैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके फाइनली पुलिस स्टेशन आ भी चुके हैं गाइस हम लोग, अब बस जल्दी से इस टैंक को मैं इधर साइड में लगाता हूँ, टैंक नहीं टैंक विद कर्स्ट किलर कार, इसको मैं इधर रखता हूँ। फटाफट से अभी अंदर की तरफ चलते हैं। हेलो ऑफिसर, मैंने आपको कॉल करके बताया था मैं कर्स्ट किलर कार ला रहा हूँ। नहीं तो, अरे सर भूल गए, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही कॉल किया था। अच्छा हाँ, याद आया, तुम कोई गाड़ी ला रहे थे जिस गाड़ी ने हमारे 3-4 पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। हाँ एग्जैक्टली वही गाड़ी मैं ला चुका हूँ। ठीक है हमारे ऑफिसर्स तैयार है। यस बिल्कुल, हमारे एक नीचे ऑफिसर है वो तुम्हें बता देंगे गाड़ी का क्या करना है, बस गाड़ी लेकर आओ तुम। यस सर मैं अभी लेकर आया। चलो 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 गाइस फटाफट से अब इस कर्स्ट किलर कार को नीचे उतारते हैं और लेकर चलते हैं। चलो ओके ओके, ओ नाइस भाई, थोड़ा बहुत धक्का देख के और इधर आगे पीछे करके कर्स्ट किलर कार में चला भी पा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है ये, बट स्टिल देखो भाई फिर भी चल पा रही है ये गाड़ी। इसी वजह से तो ये गाड़ी हमेशा अटैक करने के लिए हमारे पास आ जाती है। ये गाड़ी ख़राब करना बहुत ही मुश्किल है, मैंने ना जाने कितनी तोपें चलाई हैं इस पर, फिर भी ये गाड़ी देखो गाइज अभी भी इसका इंजन थोड़ी बहुत वर्किंग कंडीशन में है। हेलो ऑफिसर ज़रा साइड हटो। ओके नहीं नहीं अब नहीं चल पा रही है। ओके नहीं नहीं चल रही है चल रही है चल रही है, थोड़ा सा हल्का सा पुश। कम ऑन ऑफिसर, ओके 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 नाइस, बहुत ही बढ़िया ऑफिसर, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और। तुम लोग सोच रहे होगे अभी तक गाइस कि मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसे डालना चाहता हूँ भाई जेल के अंदर। आई नो गाइस तुम लोगों के लिए भी ये एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, बट मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इस गाड़ी से पीछा छुड़ाने का। ये लोग इतनी खतरनाक तरीके से इसको जेल में रखेंगे भाई, ये गाड़ी यहाँ से कभी एस्केप ही नहीं कर पाएगी। कार इज नाउ लॉक्ड, और ये फर्स्ट टाइम होगा भाई अपने लॉस सैंटोस में जब किसी गाड़ी को जेल में डाला गया है, वरना हमेशा गाड़ी चलाने वाले को जेल में डालते, लेकिन आज गाड़ी को जेल में डाला है। इतनी अजीबोगरीब ये गाड़ी है भाई। खैर जो भी हो, फाइनली इससे हमारा पीछा छूटता हुआ, और अब इस गाड़ी की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस। यस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।